पिछले मार्च 16 तारीख की रात को मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। रात के 1:30 बज रहे हैं और तू इस वक्त हेल्प मांग रही है? कल के ह्यूमन एनाटॉमी सेमिनार के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ यार। ओके। फिर सडनली एक वीडियो ब्लिंक करते हुए मुझे देखो कहने लगा। तो फिर? तो मैंने उसे क्लिक करके देख लिया। कैसा वीडियो था? वही जो लास्ट ईयर हमने लेसन में पढ़ा था, वो वाला। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। यू सॉ अ पॉर्न वीडियो? ओके, तो अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं यार, उस वीडियो को देखते ही 4-5 वैसे और वीडियो आ गए। ओके, तो तुमने क्या किया? कंटिन्यूसली सारे देख लिए। कितने? 4 आवर्स। तेरा दिमाग से टक गया है, जा जाकर सो जा। नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही मुझे। सी, यू नो आई हैव 96% नाउ, आई नीड टू गेट एटलीस्ट 98%। तभी तो मैं स्कॉलरशिप पे यूएस जा सकती हूँ ना। उसका इससे क्या संबंध है यार? पर मैं स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो आई जस्ट वांट टू ट्राई इट वंस। ए, पागल हो गई है क्या? पानी पी के चुपचाप सो जा। मैंने बहुत ट्राई किया था। क्या ट्राई किया था? सोने के लिए ट्राई किया था यार, पर नींद आ ही नहीं रही। मुझे ये लव एंड ऑल में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उससे स्टडीज डिस्टर्ब हो जाती है यार। मेरे दिल में कुछ और ही है। तो फिर अब तू क्या करना चाहती है? आई नीड अ ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट? आई नीड अ हैंडसम गाय। मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। इट कांट वंस। मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। छी, शर्म नहीं आती तुझे? ए, ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे। सेकंड डे मॉन ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहा है? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आईनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? क्लास खत्म होती है, हम शॉपिंग पर चलते हैं। ओके? या और लंच? उसके बाद वहीं पे कहीं लंच कर लेंगे। देखो, मुझे लव वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जानता, मुझे भी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्या? नाइस, तो भी ठीक है। वैसे मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम कैसे जानते? कैसे मतलब? 96% को 98% करने से यूएस में स्कॉलरशिप मिलेगी। हे, ये तुम्हें कैसे पता? क्या है कि कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में तुम प्रॉब्लम में फंसी थी, तो सोचा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। चीची, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 96-98 वाली बात भूल जाओ। नो, वो मेरा स्टॉप आ गया है। मैं रोज 5 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी जाती हूँ, अगर मुझसे बात करनी हो तो वहीं आ जाना। लाइब्रेरी में बात कैसे करेंगे? धीरे धीरे से बात कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे। ए, मुझे मुझसे भी तो मिला। बिना किसी देखो आ गई। वाह, ब्यूटीफुल। वाह, कमाल की है यार। कहां से फंसाया? पहले तेरी फिर मेरी। ओके, सॉरी, दादाजी को सोने में देर हो गई थी। ये मेरा फ्रेंड गिरीश है। शादी के काम के लिए विटनेस पर दस्तखत करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। इसी के लिए ये आया है। तुम पैसे गहने वगैरह सब लेकर आई हो ना? हाँ, लाई हो ना? बैग में है सब। ठीक है, तो फिर चले, बैग इसे दे दो। विजयलक्ष्मी, तुम जाकर पानी की बोतल लेकर आओ,
तब तक हम तुम्हारा बस में वेट करते हैं, बाद में तुम आके लेडीज सीट पर बैठ जाना। साथ में जाएंगे तो कोई देख लेगा ना, इसीलिए जाओ। बहुत अच्छे। लो बहन जी, अपना जो प्लान है किसी को पता तो नहीं है? दूध की मिठाई 10 रुपए की एक, 10 रुपए की एक, दूध की मिठाई 10 रुपए की एक। साहब ताजी ताजी मिठाई लीजिए, फूल लीजिए, फूल लीजिए ना सर। आप मंदिर में शादी करने वाले हैं, इसको खाएंगे तो पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। दोनों दूल्हे बनने जा रहे हो, फूल की जरूरत तो पड़ेगी। शादी में विटनेस के साइन करने के बाद आपको भी तो कमरे में जाना पड़ेगा ना। अच्छा, लड़की को लेडी सीट पे बिठाया क्या? किसी को भी शक ना हो, आपने बहुत बढ़िया प्लान बनाया साहब। भाग यहां से, ए चल फुटना। चोरे चोरे चुपके चुपके लड़की के साथ चला मुरारी शादी करने दोस्त के साथ। चोरी चोरी शादी करने, हाँ लड़की भगा के चला मुरारी शादी करने है। चोरे चोरे ए, तू तो कह रहा था किसी को पता नहीं, बस स्टैंड पे तो सबको पता चल गया। तू तू भी नहीं चाहिए और तेरा ये बैग भी नहीं चाहिए। आज के बाद अगर कोई मदद मांगी तो तुझे मार डालूंगा। चलता हूँ बहना। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? मैं भी भागता हूँ। बहन जी आपका बैग। बच गए यार। किसी को पता चले बिना जो प्लान इन्होंने बनाया था वो मेरी वजह से सबको पता चल गया। मेरा नाम शिवा है और ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पूरे 20 फ्लोर्स हैं और 840 लोगों का स्टाफ है। हर फ्लोर पर रैंक वाइज लोग काम करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के नीचे 3 और फ्लोर्स हैं। यहाँ पूरे 30 लोग काम करते हैं, उन्हीं में से एक मैं और मेरा काम है कॉल टैपिंग। जस्ट कॉल टैपिंग करना ही तुम लोगों का काम है। दरअसल क्या हम आम जनता के कॉल्स को टैप कर सकते हैं? क्या ये लीगल है? बिल्कुल इनलीगल है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। देश की सुरक्षा के लिए और लोगों की भलाई के लिए हम पब्लिक एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर इंटेलिजेंस टीम को अगर किसी पर भी शक होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के फोन कॉल्स रिकॉर्ड करके डेस्क को फॉरवर्ड करना ही आप लोगों का काम है। लेकिन प्रॉपर ऑर्डर्स के बिना, मॉनिटर बीप अलर्ट के आए बिना किसी भी फोन कन्वर्जेशन को सुनना या रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसा करने से आपकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में यू विल बी बिहाइंड द बार्स। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे कि पब्लिक कॉल सुनना और रिकॉर्ड करना मना है, लेकिन मैं सिर्फ पब्लिक कॉल्स ही सुनता हूँ। उसके लिए मैंने खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। फोन पर अगर किसी ने किसी को धमकी दी या कोई रो रहा हो या किसी ने मदद मांगी हो तो मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप ऑन हो जाता है। और से प्लान बना रहे हैं, किसी को बताया भी ना, ये कैसे पहुंच गया बीच समुद्र में? कौन है भैया? I have already seen your resume, Shiva, and I am surprised. Gun shooting में national level winner, आपने खुद 2 सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज IQ EQ हर चीज में आप ओवर क्वालिफाइड है, फिर ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 40,000 रूपए तनख्वाह में? आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए मैं 2 सर्टिफिकेशंस बताता हूँ, वो कर दीजिए, तब आप इसी ऑफिस के 3rd फ्लोर में काम कर सकते हैं। And you can earn as much as I am earning. नहीं सर, मेरे लिए यही तनख्वाह काफी है। This is just table work, Shiva. Life पूरी इस टेबल पर ही खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं सर, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है। Okay then. इन्हें जो शक हुआ था वही मेरे पिताजी और मेरे दोस्तों को भी हुआ था। मेरे पिताजी ने पूछा था, सिर्फ 40,000 रुपए के लिए ये काम कर रहे हो? वैसे भी दूसरों के फोन कॉल्स को सुनना यानी किसी को टॉयलेट जाते हुए पीछे से देखने जैसा है। उनका कहना था कि पुलिस की नौकरी में तनख्वाह ज्यादा मिल सकती थी। किसी का खून होने के बाद ये पूछताछ करना कि खून इसने किया या उसने किया, उसे कोर्ट ले जाकर खड़ा करना, फिर एक वकील कहेगा मारा है, दूसरा कहेगा नहीं मारा, और उसके बाद जेल, और फिर जेल के बाद बेल। एक जान जाने पर इतनी मेहनत, ऐसी पुलिस की नौकरी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन इस जॉब में गलती होने से पहले ही मैं उसे रोक सकता हूं। ये सब मैं पेपर या टीवी में आने के लिए नहीं कर रहा हूं। ना ही मैं कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन हूं। वैसे मैं इस सोसाइटी को बदल तो नहीं सकता, पर वो लड़की उनके साथ चली जाती तो उन कमीनों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वही विजयलक्ष्मी।
कम से कम उसकी जिंदगी तो बचा सका। उस लड़की ने दोनों हाथ जोड़कर जब मुझे भैया कहा, दिल को सुकून मिल गया। पिछले मार्च 16 तारीख की रात को मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। रात के 1:30 बज रहे हैं और तू इस वक्त हेल्प मांग रही है? कल के ह्यूमन एनाटॉमी सेमिनार के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ यार। ओके। फिर सडनली एक वीडियो ब्लिंक करते हुए मुझे देखो कहने लगा। तो फिर? तो मैंने उसे क्लिक करके देख लिया। कैसा वीडियो था? वही जो लास्ट ईयर हमने लेसन में पढ़ा था, वो वाला। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। यू सॉ पॉर्न वीडियो? ओके, तो अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं यार, उस वीडियो को देखते ही 4-5 वैसे और वीडियो आ गए। ओके, तो तुमने क्या किया? कंटिन्यूसली सारे देख लिए। कितने? 4 hours? तेरा दिमाग चटक गया है? जाकर सो जा। नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही मुझे। सी, यू नो आई हैव 96% नाउ, आई नीड टू गेट एटलीस्ट 98%। तभी तो मैं स्कॉलरशिप पे यूएस जा सकती हूँ ना। उसका इससे क्या संबंध है यार? पर मैं स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। So, I just wanna try it once. ए, पागल हो गई है क्या? पानी पी के चुपचाप सो जा। मैंने बहुत ट्राई किया था। क्या ट्राई किया था? सोने के लिए ट्राई किया था यार, पर नींद आ ही नहीं रही। मुझे ये लव एंड ऑल में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उससे स्टडीज डिस्टर्ब हो जाती है यार, मेरे दिल में कुछ और ही है। तो फिर अब तू क्या करना चाहती है? आई नीड अ ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट? आई नीड अ हैंडसम गाय। मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। इट कांट जस्ट वंस। मुझे मेरा कॉन्सेंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। छी, शर्म नहीं आती तुझे? ए, ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे। सेकंड डे मॉन ब्लैक बेल्ट ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहे हैं? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? क्लास खत्म होती है, हम शॉपिंग पर चलते हैं। ओके? या और लंच? उसके बाद वहीं पे कहीं लंच कर लेंगे। देखो, मुझे लव वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जानता हूँ, मुझे भी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्या? नाइस, तो भी ठीक है। वैसे मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम कैसे जानते? कैसे मतलब? 96% को 98% करने से यूएस में स्कॉलरशिप मिलेगी। हे, ये तुम्हें कैसे पता? क्या है कि कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में तुम प्रॉब्लम में फंसी थी, तो सोचा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। चीची, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 96-98 वाली बात भूल जाओ। नो, वो मेरा स्टॉप आ गया है। मैं रोज 5 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी जाती हूँ, अगर मुझसे बात करनी हो तो वहीं आ जाना। लाइब्रेरी में बात कैसे करेंगे? धीरे धीरे से बात कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे। ए, मुझे मुझसे भी तो मिला। बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन 30 अप्रैल की रात को आए उस कॉल से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही है श्वेता? घर में सब लोग विजयनगर गए हैं, मैं अकेली हूँ घर पे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है, और ऊपर से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं। जब देखो तब बेकार की किताबें और भूत की फिल्म देखती हो, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं यार, सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के,
सच में यहाँ पर कोई भूत है, प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे, तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? हे शिवा, परसों सब दोस्त मिले, बस एक तुम ही मिसिंग थे यार। क्या इतना बिजी हो गए हो तुम? अब तो तुम्हें जॉब मिल गई, एक पार्टी तो दो। हाँ रेनू, एक छोटी सी मदद चाहिए। समझ गई, बिना मतलब के तो तुम कभी फोन ही नहीं करते। हाँ बोलो। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारी बगल वाली गली यानी 19th एवेन्यू में एक बंगलो है, नंबर 32। वहाँ कोई लड़की है जो बहुत डरी हुई है। आई थिंक शी नीड्स सम सपोर्ट। ठीक है चली जाऊंगी। तुम्हें पता उस दिन पद्मिनी ने क्या किया? वो बातें बाद में होती रहेंगी, तुम पहले वहाँ पहुँचो और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना। ओके बाय। शिवा सुनो तो, बाप रे बाप, जब देखो फोन इसे रखो और पहले खाओ। पैंट प्रेस कर दे क्या? मैं अकेली कितना काम करूंगी? तुम पेपर छोड़ के खुद अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो ना। लो बेटा, रोज खाना देती हूँ और तुम वैसे वापस ले आते हो। आज कम से कम खा लेना। इंटरमीडिएट में पढ़ रही हेमा नाम की एक स्टूडेंट और उसी की कॉलोनी की रहने वाली रेनू नाम की एक लेडी कांस्टेबल, दोनों का ही कत्ल एक ही घर में किया गया। हत्यारे ने इतनी हैवानियत से उनके टुकड़े टुकड़े किए कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना से वहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। उनके अपनों का दुख देख कर वहाँ के लोग डर के मारे हेमा मदद के लिए चिल्लाई होगी और उसी एरिया में रहने वाली कांस्टेबल रेनू उसे बचाने के लिए वहाँ गई होगी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। रास्ता दीजिए सर, सर मैं उस मैडम को जानता हूँ सर। कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ दो लड़कियों के शव बिना कपड़ों के पड़े हैं, उनके हाथ पैर बॉडी पार्ट सबके टुकड़े करके मिक्स करके रखा है। कौन सा पार्ट किसका है पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगर उनके परिवार की कोई औरत अगर पहचानेगी तो हमें असेंबल करने में आसानी होगी। एसपी साहब ने मैसेज दिया, आप उन्हें समझाएंगे प्लीज। सर है? आओ बेटा। अंकल आप जानते हैं क्या, शिवा ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? शिवा, शिवा, ये क्या है बेटा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। हादसा होने से पहले उसे रोक सकूं इसीलिए ये नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से दो जाने गई, इसलिए अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। उस लड़की के घर में एक हत्यारा आया था, वो कुछ समझ नहीं पाई और भूत समझ के डरने लगी। वो ठीक से समझा पाती तो ये हादसा नहीं होता। छोटी लड़की थी वो, ठीक से बता नहीं पाई, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए था ना, मुझे खुद वहां जाना चाहिए था। आज तक तूने कितनों को बचाया है, पहली बार हम मिस हुए हैं, क्या कर सकते हैं। चल ऑफिस चल तू। नहीं यार, इस दुनिया में खुशी तब मिलती है जब हम अनजान लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद उनके चेहरे पर वो खुशी दिखती है। ये काम हर पल उसी खुशी का एहसास दे रहा था, मगर उन दोनों की मौत के बाद ये नौकरी हमेशा के लिए छोड़ना ही मेरे लिए सही सजा होगी। गुनाह होने से पहले ही रोकने के लिए तुमने नौकरी ज्वाइन की थी ना। अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी ये हत्याएं की हैं, क्या उसने इससे पहले हत्या नहीं की होगी?
और तुम्हें लगता है कि वो आगे किसी की हत्या नहीं करेगा? से स्कैन करो। विनय, तेरे सिस्टम में उस लड़की का नंबर भेजा है, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर okay. और तू उसके सारे एसएमएस चेक कर। ओके शिवा। प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे। तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? शिवा, कमिश्नर के कॉल्स को मॉनिटर करने के लिए कहा था ना, उनमें से एक कॉल बड़ी अजीब सी लगी मुझे, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वुड यू लाइक टू लिसन? सर, शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। सर, आपसे पर्सनली बात करनी है, अर्जेंट है। अरे शर्मा जी, फोन पर ही बता दीजिए। नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, फोन पे कैसे? कोई बात नहीं शर्मा जी, बोलिए। सर, जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है उस जगह पर एक कपड़ा मिला है, हमें शक था कि कातिल ने हथियार को उस कपड़े से साफ किया होगा, इसलिए हमने उस कपड़े को फॉरेंसिक लैब में भेजा था। वो रिपोर्ट आ गई है सर, उसमें इन दोनों के ब्लड सैंपल्स के अलावा और भी 8 लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं सर, उनमें से 3 मेल ब्लड सैंपल्स हैं सर, सारे इसी महीने उसी हथियार से हुए हैं सर। मुझे लगता है कि ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। शर्मा जी, सर डू वन थिंग। बोलिए सर। इस साल के जो भी मिसिंग केसेस हैं उन सब के डिटेल्स लेकर मेरे पास है। ठीक है सर, रखता हूँ। एक बात और शर्मा जी, इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखिए। ओके सर। ये क्या है यार, इनकी बातों से तो लगता है कि मर्दों का भी खून हुआ है, 8 लोगों को मारा है उसने। उस कपड़े से पता चलता है कि खून 10 लोगों का है, शायद उसने और भी लोगों को मारा होगा। उस लड़की के मर्डर से संबंधित कोई सुराग मिल जाए तो, वो कौन है, उसने सिर्फ 8 को मारा है या फिर ज्यादा लोगों को मारा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम जहां से शुरू हुए थे वहीं आके रुक गए हैं। वो लड़की कहां गई थी, किस वक्त गई थी, ये उस लड़की के वॉइस कॉल्स और मैसेजेस में है। उस वक्त और जगह को मैच करके सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो शायद कोई सुराग मिल जाए। थर्ड फ्लोर पे वो बंदा काम करता है, कौशिक, क्या वो हमारी मदद करेगा? ट्राई कर सकते हैं। क्या है यार इतनी बड़ी लिस्ट, मैं अंदर क्या बोल के फुटेज कलेक्ट करूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह हमारी हेल्प करो प्लीज। अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह से बस झूठ बोलो या धोखा दो, कुछ भी करो। जिंदगी से अनजान 18 साल की मासूम लड़की और नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाली एक लेडी कांस्टेबल, उन दोनों लड़कियों को मारकर, उनके बदन से कपड़े उतारकर, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक साथ रखे थे, और ऐसा आदमी आजाद घूम रहा है। उसे पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमारा ऑफिस -3 में है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यही है वो सारी फुटेज, मॉल, थिएटर, टेंपल, एटीएम, कॉलेज के बाहर, लोखंड वाला सर्कल, ज्वेलरी शॉप, ट्रैफिक सिग्नल, पेट्रोल पंप और सीसीटीवी का फुटेज। बाय शिवा, कल मिलते हैं। लगता है सारी रात ये काम कर रहा था। हाँ हाँ,
पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? कल रात पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है। पब्लिक पैनिक ना हो इसलिए। पुराने क्रिमिनल्स हैं वो। अगर ये डिटेल्स उन्हें दिए तो वो इरिटेट होंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसे तो मैं खुद पकड़ूंगा। मेरा नाम गौरी है। मैंने एक लड़के से प्यार किया है। इस बात से नाराज होकर मेरे बड़े भैया मेरा इंटर का सर्टिफिकेट लेके घर से चले गए हैं। भैया तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, जिससे शादी करने को कहोगे उसी से करूँगी। घर के हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं, माँ की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। प्लीज भैया मेरे सर्टिफिकेट मुझे दे दो, नहीं तो माँ के साथ मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। ये मेरे भैया का फोटो है, उनका नाम कृष्ण मोहन है। कोई इन्हें कहीं पर भी देखे तो कृपया करके 9573040742 पर कॉल करके बताइए। मेरे सर्टिफिकेट्स मिल जाएं तो मैं कोई भी काम करके माँ का ख्याल रखूंगी। प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ बोलो भैया। कुमार, वीडियो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है, इसलिए थोड़ा शेक करके दोबारा शूट करो। एक बार इसे जिसने भी आज तक देखा है या जो भी अब देखेगा, उनमें से कोई ना कोई हमें जरूर कॉल करेगा। इस वीडियो को वायरल होने में एक दिन तो लगेगा ही। तुम अभी घर जाओ, माँ जी फोन पे फोन कर रही हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। OLX में एक बार बेच दिया तो बेच दिया, ऑनलाइन में रिटर्न नहीं होता। ऑनलाइन लाए थे मात्र चार्जिंग का आईपैड हमें से मौसम जस्तरा मौसमा मौसम एंटी मौसम का किंग एंटी ना कुत्ती डब वापस इतनी चाहे आप इसे वापस ले लीजिए। ओह हाय माँ, ये चार्ज नहीं हो रहा था तो मैंने कहा किसी को फ्री में दे दो, तो तुमने ऑनलाइन बेच दिया। आपकी माँ है क्या? अरे इस लड़की को पहले से जानता है तू? जाइए जाइए। अरे चलो चलो बहन, तुम भी ड्यूटी करो। हमें क्या लेना देना, अंदर बैठ के बात। चलो आईपैड देना, बैठो ना, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ओके। मेरे शिवा को पहले से जानती हो क्या? 28 दिनों से मेरे ही पीछे घूम रहा है। तुम मेरे बेटे से लव करती हो क्या? नहीं नहीं लव वव कुछ नहीं है। ओ, मतलब फ्रेंड्स हो? फ्रेंड्स भी नहीं है। लव भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं हो, तो फिर है क्या ये? वो क्या है कि एक्चुअली मुझे 96% है, 98 के लिए वो मेरी हेल्प पसंद है। हाँ, पसंद है। देखते हैं। लव करना है तो तू जल्दी से कर ले बेटी, उसके लिए लड़की ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या बताऊं, बहुत शर्माता है अपने पापा की तरह। हाय हाय। हाँ वैसे हमारी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ है ये, अब तुम समझ जाओ इसके बारे में। यू नो आंटी, हाँ मेरे मम्मी पापा की शादी हुए 20 साल हुए हैं, हाँ लेकिन मेरी उम्र 21 साल की है, बाकी आप ही समझ लीजिए एकदम मम्मी पे गई हूँ। बहुत फास्ट हो। बस वो कॉफी लेके आ रहा होगा। लो ठीक कर दिया। थैंक यू। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। सुनो बेटा, ये तो कह रही है लव भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है। सही कह रही है। अगर दोनों नहीं है तो फिर है क्या बेटा? अब तुम्हें कैसे बताऊं मां, फायदे से जुड़ी दोस्ती है। फायदे से जुड़ी दोस्ती है? हाँ माँ। कैसे? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। फ्रेंडशिप में फायदा और नुकसान क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ए जा इसे ड्रॉप करके आ। अब इसमें भी तो फायदा ही है ना। गलत बात है। तुम जाओ बेटी, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। अब नाम गौरी है। मैंने एक लड़के से प्यार किया है। इस बात से नाराज होकर मेरे बड़े भैया मेरा इंटर का सर्टिफिकेट लेके घर से चले गए। हेलो। हेलो सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। अभी अभी व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, कुछ पैसे देकर उस लड़की की मदद कर सकते हैं क्या? पैसों की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसका भाई चाहिए। हेलो। हेलो सर, लड़की के इंटर सर्टिफिकेट्स ना हो तो भी हम जॉब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें फोटो में जो आदमी है वही चाहिए। हेलो। हेलो, वो लड़की है वहाँ? कौन सी लड़की? अरे उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे झूठ बोल रही है, वही लड़की। झूठ बोल रही है? आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है?
कहानी बना रहे हो क्या? उस फोटो में जो है उसका नाम कृष्ण मोहन नहीं है, भैरव है। वो मेरा दोस्त है, उसकी कोई बहन नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आजकल ये फैशन हो गया है व्हाट्सएप पे वीडियो बना के डालना। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? वैसे आप कौन है? उस वीडियो में जो है उसका होने वाला पति हूँ। मैं कहता हूँ फोन रख। सच में आप पुलिस वाले हैं? मैं नहीं जानता था। आजकल ऐसे वैसे फेक वीडियोस आते रहते हैं, यही समझा। वीडियो फेक है ये तुम्हें कैसे पता? वो मेरे साथ ही स्कूल में 8वीं तक पढ़ा था सर। उसका नाम भैरव है। पास के मरेटा गांव में उसके पिता शमशान में काम करते थे। 1996 में उसके पिता ने 4 खून किए थे जिसका पता पूरे गाँव को चल गया। उसके बाद बहुत कुछ हुआ सर, मुझे ठीक से याद नहीं है। कोई है जो उसके बारे में बता सके? मरेटा गाँव के शमशान में प्रेमनाथ नाम का एक बुजुर्ग है, वो सब जानता है। को उस कोने में ही उनकी झोपड़ी हुआ करती थी। उनका वंश शमशान में मुर्दा जलाने वालों का नहीं था। उनको कोई और काम नहीं मिला था, पेट भरने के लिए ही ये काम करना पड़ा। और इसी शमशान भूमि में उस भैरव का जन्म हुआ था। आप में से बड़ा लड़का कौन है? यहाँ आइए। रुको रुको, कोई से छुट्टे पैसे दे दो। हमारा घर कौन है? चलो चलो जल्दी करो। चलो इसे कलश में डालो। इसी शमशान में वो खेलते हुए बड़ा हुआ था। और कुछ दिनों के बाद उसका एक छोटा भाई भी पैदा हुआ। क्या कर रहा है बेटा? इधर आजा, जल्दी आ, चल मेरे साथ, छोड़ मटका, मटका तोड़ेगा तू। डर गई ना, डर गई ना। पकड़ मुझे, पकड़। हाँ, ए, पहले ये तो पी ले। बेटा क्या कर रहा है तू ऊपर? माँ को रोते हुए आ रहा है, बहुत लोग रोते हुए आ रहे हैं। बदकिस्मत, कैसे कान हैं इसके, कोई भी रोए सबसे पहले इसे सुनाई देता। खाएगा कि नहीं, खाएगा कि नहीं, कुछ नहीं सुनता। अरे बच्चे को इस तरह क्यों मार रही हो? एक हफ्ते से इसने ठीक से खाना नहीं खाया, इसे बोलो खाए। ए, चुप हो जाओ। क्यों बेटा, हम बाहर जाके खाएंगे। दे 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 छट। तेरे लिए कुछ लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, छोटे बच्चे को कैसे मारती है। एक हफ्ते से देख रहा हूँ। क्यों बेटा, ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? फीका खाना खाने का मन नहीं कर रहा बापू। तेरे बापू को कोई काम नहीं मिला, काम मिलते ही मुर्गी लेके आऊंगा, ठीक है? मुर्गी की बात नहीं है बापू, लोगों को रोते हुए देख के 8 दिन हो गए हैं। उसके बाद 1 महीने तक गांव में किसी की मौत नहीं हुई और पिता की कमाई बंद हो गई। बेटा भी ठीक से खाता नहीं था, तभी उसने पहली हत्या की थी। ये ले बे। घर पहुंचते ही खा के सो जाना। बापू वहाँ देखो। अरे अरे अरे, कौन है वो? अरे ये तो राठौर जी हैं। राठौर जी कोई मदद करो, राठौर जी चक्कर खा के गिर गए। अरे सुनो सुनो, कोई है क्या? जल्दी आओ मदद के लिए, राठौर जी चक्कर खा के गिर गए हैं। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आओ, अरे सुनो। जल्दी
चलो। देखो राठौर जी को क्या हो गया। अरे, चलो चलो अरे, जल्दी आओ। राठौर जी को क्या हो गया? जल्दी आओ राठौर। आओ, क्या हुआ आपको? उठिए ना। अरे उठिए, उठिए ना। बात और, चार लोगों को उसने अलग अलग तरीके से मारा था। चल जा। को इस तरह मारते हुए गांव के एक लड़के ने देख लिया। तब गांव के लोगों ने आपस में बात करके एक फैसला लिया। उसके बाद भी गांव में मौतें होती रही बेटा, पर लोग जान नहीं पाए कि ये सब कैसे हो रहा है। गांव वाले बहुत डर गए थे और वो एक स्वामी जी के पास गए। तब स्वामी जी ने उनको बताया कि चंडाल के परिवार को जिंदा जलाने के कारण ही ये सब हुआ है। सारे गांव वाले गांव छोड़ के वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर ये सोचकर बस गए कि शायद उनके गांव को हाय लग गई है। पूरा गांव खाली होकर शमशान बन गया बेटा। कुछ साल पहले भैरव को कुछ गांव वालों ने मुंबई में देखा था, तभी हमें पता चला कि भैरव अभी तक जिंदा है। तो ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके परिवार को जिंदा जलाया था, इसलिए उस केस में कोई आगे आना नहीं चाहता था बेटा। भेज रहा हूँ, मुझे बताओ इस वक्त कहाँ है। ओके, ढूंढ के बताता हूँ, रुको जरा। क्या है? सॉरी सर, मेरा फोन ऑफ हो गया था। तुम उस दिन कह रहे थे कि भैरव को तुमने बचपन में ही देखा है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने जो फोटो भेजी थी वो उसकी लेटेस्ट फोटो है। वो यही है, ये कैसे पता चला? सॉरी सर, पिछले साल हम लोग हैदराबाद गए थे, वहाँ वंडरेला पार्क में सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे पिताजी को पहचान कर उनसे बात की। गांव में सब सोच रहे थे कि भैरव मर गया है। तो लगातार कर रहा हूँ, आज तक कोई नहीं आया, कब आएगा? सर यहाँ डांट रहे हैं। इस आदमी से मिलना है। सीधे जाके राइट लीजिए। ठीक है, कब आएंगे? पहले तुम ये बताओ। अभी एक आदमी आया था, कहाँ गया हो? तूने ही उसे अंदर जाने को कहा, वो चला गया। अबे तेरे को ढूंढते हुए कोई आदमी आया था, मोबाइल में तेरा फोटो दिखा रहा था, मैं उनको अंदर भेजा हूँ। Thank you.
ए, क्या है बे? एक के पीछे एक बोलते जा रहे हो? मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, ये सब इसने पता लगा लिया है। फिर ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? अगर हिम्मत है तो मार क्यों नहीं देता मुझे? शिवा, सोच क्या रहा है? पुलिस को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। अभी इसी वक्त इसे उड़ा दे। अगर छोटा भाई ऐसा है तो भैरव कितना खतरनाक होगा। जब से व्हाट्सएप में वीडियो स्प्रेड हुआ है, मैं और मेरा भाई तेरी राह देख रहे हैं। रोज 9 बजे भैरव यहीं पर आता है। वो आज भी आया होगा और मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम लोग जो मेरी फोटो लेके ढूंढ रहे हो ना, ये बात भी अब तक उसे पता चल गई होगी। वो यहाँ आएगा जरूर। तुम लोग ये सोचने की भूल भी मत करना कि 13 सालों में मेरे भैया ने कुछ नहीं किया होगा। गांव से आने के बाद चुप नहीं बैठा है वो। नागपुर में 2012 में तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी में 47 लोगों को जला के मार दिया था, याद है ना? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, मेरे भैया ने किया था। उसके अगले साल हैदराबाद में एक बस का फ्यूल टैंक फट गया था, 37 लोग मारे गए थे। 2 साल पहले चित्तौड़ में गैस पाइप्स लीक होकर लोग जल गए थे। ये सारे कांड मेरे भैया ने किए। जब लोग घुट घुट कर रोते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, अगले 10 साल में भी जो कांड करने हैं वो सब अभी से प्लान करके रखे हैं। हेलो विनय, शिवा को फोन देना। हाँ शिवा। मधु। हेलो। अरे शिवा, तूने उसे मारा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा किया। तुम जल्द से जल्द टैंक रोड के चौराहे पे आ जाओ। सुन, जल्दी टीवी ऑन कर और न्यूज चैनल देख। यहाँ तो टीवी नहीं है, क्या हुआ बोल? तुमने जिसको पकड़ा है ना, आज रात हमारे चैनल पर किसी अनजान व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा है जिसे देखकर हम सब बहुत ज्यादा हैरान हैं। आप भी देखिए। कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी हत्या के बारे में बताऊं? तुम में से बहुत से लोगों को मैंने पहले भी देखा होगा। तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो जो अचानक शौक से मर गए हो और उन्हें देखकर आप घुट घुट कर रोए होंगे, तो मैंने जरूर आप लोगों को देखा होगा, क्योंकि वो हत्या मैंने ही की होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए जैसे भूकंप सुनामी एक वजह है, वैसे मैं भी एक वजह हूं। कल तक मेरा साया भी कोई छू नहीं पाया था, लेकिन आज एक, कोई सिर्फ एक, मेरा नाम, मेरा गांव, मैंने जो 12 साल में हत्याएं की थी तब से लेकर अब तक की हत्याओं का उसने सूंघ 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 कर पता लगाया। मेरे भाई को उठाकर ले गया। उसे मेरे भाई को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं जो करने जा रहा हूं वो बताने से पहले इस ब्रिज को जरा एक बार देख लीजिए। मेट्रो का काम शुरू होते ही मैं काम पर लग गया था। यहाँ पर जब एक एक पिलर बनाया जा रहा था तो मैंने हर एक पिलर में एक एक को मार कर उसी में दफनाया। 23 पिलर, 23 लाशें। आपका अपना भी कोई गायब हो गया होगा तो इन्हीं पिलर्स में उसके होने के चांसेस हैं। नाम और डिटेल्स बाद में मिल जाएंगे। अब वैसे मैं ये बात मेट्रो ट्रेन की ओपनिंग पर बताना चाहता था। शहर में सभी खुशियां मना रहे होंगे, तब कुछ लोग अपनों की मौत का पता चलने का मातम मना रहे होंगे के चेहरों को देखकर खुश होना चाहता था। मेरा पति, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेबी, मेरी छोटी बहन। लेकिन सिर्फ उस एक आदमी की वजह से मेरी खुशियां बर्बाद हो गई, बीच में ही रुक गई। उसे इसी वक्त मेरे भाई को छोड़ना होगा, नहीं तो इस शहर को मैं श्मशान में बदल दूंगा, श्मशान में बदल दूंगा। जिन जिन की मौत हुई है उनके नाम ये हैं: पिलर नंबर 17 हनुमान रावत, 85 श्रीनिवास राज, 130 सुधाकर, 109 इस वक्त आपके बीच मौजूद है और आप लोगों को रोते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा है। थोड़ी देर पहले टीवी पर
उसने अपने भाई को छोड़ने के लिए कहा था ना, वो भाई यही है। इसे मैंने ही पकड़ा है, अगर इसे छोड़ दिया तो फिर से दोनों मिलकर हत्याएं करेंगे। इस ब्रिज में दफनाए गए सिर्फ 23 लोग ही नहीं बल्कि बचपन से कई लोगों को मारा है इन दोनों ने। अब आप ही बताइए क्या करें इसका। भैया भैया भैया, दूसरों को रोता हुआ देखकर खुशी मनाने वाला राक्षस है ना तू? अब हंस के दिखा, तेरा छोटा भाई रो रहा है, अब हंस। भैया इसे मत छोड़ना। हे, हिम्मत है तो मार मुझे, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो इस शहर को शमशान बना देगा। अब जितना मेरा भैया रो रहा है ना, उससे ज्यादा तू रोएगा और पछताएगा कि मैंने इसे क्यों मारा। कौन किसे रुलाएगा ये मैं देख लूंगा। देखा जाए तो ये हमारे लिए क्रुशियल टाइम है। सिटी के सारे मिसिंग केसेस हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए और उनके गायब होने का कारण उस व्यक्ति के द्वारा हमें कल रात को पता चला। हमें शक है कि मेट्रो पिलर्स में दफनाए गए लोगों के अलावा उस हत्यारे के और भी कई विक्टिम्स हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे पकड़ना होगा, तभी पब्लिक को भड़कने से हम रोक सकते हैं। इतनी बड़ी बात को हमसे पहले किसी एक ने पहचाना, लेकिन उस इंसान ने अपना चेहरा अंधेरे में छुपा कर रखा है। वो कौन है ये भी हमें पता लगाना है, नहीं तो पब्लिक का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। सो इनिशिएट एन इमरजेंसी टास्क फोर्स। उस खूनी को और उसे पहचानने वाले को हमें पकड़ना होगा। हमारी दी गई डिटेल्स के मुताबिक एक बात क्लियरली साबित हो जाती है। He is exhibiting all the characteristics of sadistic personality disorder, SPD. सामने अगर लोग रोएंगे तो उन्हें ये देखकर खुश होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मेंटल इलनेस रिसर्च के मुताबिक ये हर एक इंसान में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बस में जाते हैं और रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हम झांक कर देखते हैं। अगर उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो हम अंदर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और अगर उस एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो वो देख के ओहो कह के दुखी होते हैं, और वही हमारा माइंड चाहता है। देखा जाए तो हमारे जैसे लोगों में 4% सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। लास्ट ईयर कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये 4-6% तक इंक्रीज हो गया है। इंसानों में जब इंसानियत कम हो जाती है तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। इट इज डेंजरस। हेलो हेलो शेबा, बोल रहा हूँ मैं, इंस्पेक्टर गोकुल आनंद बोल रहा हूँ। आपसे मिलना बहुत जरूरी है, भैरव के बारे में बात करनी है। प्लीज सेट डाउन। होप यू रिमेम्बर मी। मेरे बेटे को पिछले महीने किडनैपर से आप ही ने बचाया था। मुझे याद है सर। मुझे पता है कि भैरव का केस अनऑफिशियली आप ही डील कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैंने कन्फर्म किया लोगों से और तुरंत आपसे मिलने चला आया। हमारे हायर ऑफिशियल्स को भैरव के बारे में कुछ जानकारी मिली है, मैंने सोचा ये जानकारी आप तक पहुँचा दूँ, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। भैरव के बचपन के बारे में आप जानते ही होंगे, उसने अपने भाई के साथ क्या प्लान बनाया है। अगर आप ये जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। सिटी के किसी एक हॉस्पिटल को उन्होंने टारगेट किया है, उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ वो कुछ करने जा रहा है, लेकिन वो क्या करने वाला है, भैरव का गुस्सा अब आपकी तरफ मुड़ गया है। ऑफकोर्स
एक तरीके से अच्छा ही है, शायद इसीलिए उसने हॉस्पिटल का प्लान रोक दिया है। पुलिस तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। याद रखिए, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि वो कौन सा हॉस्पिटल है वो सिर्फ वही जानता है। ठीक समय पे उसके भाई को उड़ा दिया तूने, अब उसका टारगेट कुछ और होगा। वो अपने प्लान के हिसाब से जाएगा या फिर तुझे ढूंढता आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी हाल में वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटेगा, उससे पहले हमें उसे पकड़ना है। हेलो। हाय, मेरी फ्रेंड का घर खाली है, मैंने कीज ले ली है, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। तुम्हें वैसा कोई आइडिया है क्या? कैसा आइडिया? You want to join me? वो चार्ट मुझे देना। ब्रिज में मरने वालों की लिस्ट चाहिए। ठीक है। कंप्लीट लिस्ट, सारी डिटेल्स निकालो। हाँ, कुछ कह रही थी। मैं, मेरी फ्रेंड के घर की चाबियाँ, स्विमिंग पूल, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले बिना चार जेरोक्स कॉपीज निकालो, बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप करो। श्योर। हाँ, तुम कुछ कह रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, फोन रखो। हर कोई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे एंजॉय करते हैं, ये अपने आप को शाना समझता है। इसकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये उसके काम नहीं आएगा, ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलो माँ। क्यों बेटा, घर नहीं आएगा क्या? ऑफिस में ही रहता है जब देखो। काम थोड़ा ज्यादा है, पूरा करके ही आऊंगा। आप लोग सो जाइए। ठीक है, जल्दी आ जा। सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के। अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी आ जा। ठीक है माँ। सबके घर में बिजली है, एक मेरे घर को छोड़कर। हेलो माँ। हाँ बेटा। अभी क्या कह रही थी तुम? सबके घर में बिजली है, हमारे घर में नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा था ना जल्दी आ जा। ऐसा क्यों कहा तुमने? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई घूम रहा है, अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। ठीक है माँ, मैं अभी आता। ठीक है। हेलो केशव, केशव, केशव। आज की ताजा खबर, ड्राइवर केशव की छाती में छुरी घोप कर हत्या कर दी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? केशव कहाँ है? केशव कहाँ है? हेलो शिवा, क्या हुआ? हेलो माँ। माँ? ए माँ अभी मरी नहीं है, इंतजार कर रही है। ए, मेरी माँ को कुछ हुआ ना? तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह शहर में कोई अलग घर बनवाता है क्या? माँ चिल्लाएगी तो भी कोई सुन नहीं पाएगा। पहली बार चाकू घोपने से चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसके बाद सिर्फ चाकू मारने की आवाज आएगी। तुझे जिस पेट में 9 महीने तक पाला, उसी पेट पे घोंप घोंप कर वार करूंगा। वो साउंड सुनेगा ना? हे, कुछ मत करना। ए, रुक 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 रुक, लगता है कोई आया है। माँ, कहाँ हो? माँ, यहाँ हूँ बेटा। बैग इधर उधर मत रखा कर। अच्छा, कितनी बार कहा है? तेरा भाई भी है क्या? लगता है खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। ए, तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा, गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज।
हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी। और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ छोटू आजा। हे हेलो बैरफ। सर सर आप उठिए मत, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी माँ। सर आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरी माँ को क्या हुआ? सर वो आपके फ्रेंड्स को पता होगा। मुझे माँ को देखना है। सर प्लीज आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नर्स अरे शिवा कैसा यार? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? ओके श्योर ओके शिवा संभल के। मेन स्विच ऑफ था माँ। ऐसा क्या? मैंने सोचा बिजली चली गई। पर मैंने तो पानी नहीं मंगवाया। घर पर पानी पहुंचाने के लिए फोन आया था। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेकार के चक्करों में मत पड़ा कर, अब देख क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना? अरे ये अभी अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो। मैंने उसका क्या हुआ? माँ आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं वो मरा नहीं होगा, उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहाँ शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा। वो थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय आई एम सो हैप्पी, कांग्रेट्स। जख्मी होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी, कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी फिर भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, उसके लिए कॉन्ग्रैट्स। यू नो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट राइट? रिपोर्ट्स देखे क्या? रिपोर्ट्स देखने की क्या जरूरत है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने सब कुछ देख लिया। हमारे प्यार को मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्यार? एक्चुअली मैंने प्यार करने के बारे में कुछ
तुम्हारी माँ ने क्या कहा? और क्या कहती, यही कहा कि लड़का बुरा है, तेरे लायक नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और यही सब कहोगी मुझे? सीरियसली नहीं लिया उन्होंने? तुम सच कह रही हो? मैं बस मजाक कर रही थी, सो जाओ अब। सर ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो आप जान गए होंगे। अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बट गिव मी 5 days। 5 days किस लिए? उस भैरव को पकड़ने के लिए। इम्पॉसिबल, तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही आई भी तुमसे इंक्वायरी करेगी। सर जस्ट गिव मी 2 days, 2 दिन में उसे पकड़ लूंगा मैं, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेंगे मुझे मंजूर है। याद रखिए वो अभी जिंदा है, उसके ठीक होने से पहले उसे पकड़ना होगा, उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं सर। वो सब हम देख लेंगे, उसके लिए पुलिस भी है। डोंट वेस्ट अ टाइम, डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर एक मिनट सर, सर ये तो आप भी जानते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हर पल खतरा है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक का ही टाइम दिया है। चलिए 2 दिन नहीं सर, बस 2 घंटे और दे दीजिए। इस वक्त 8 बज रहे हैं, 10 बजे से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। ये 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा? इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा सर, टाइम देते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 hours इज योर्स, कैच हिम। थैंक यू सर। सुनो, कर जहां गिरा था वो चंदनपुर का ब्रिज है, वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। धोबी गली, शंकर नगर कॉलोनी, डायमंड गार्डन, मेहता नगर, इन्हीं 4 एरियाज के किसी घर में या हॉस्पिटल में उन्हें डरा कर वहीं पर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा। हॉस्पिटल शायद उसके लिए उतना सेफ ना हो, वो डेफिनेटली किसी के घर में ही घुसा होगा। वो किसी गाड़ी को पकड़ के वहां से भाग भी तो सकता है। करेक्ट, अगर उसे गोली ना लगी होती तो वो वही करता, लेकिन जख्मी हालत में तैरने से उसकी एनर्जी खत्म हो गई होगी, खून भी काफी बह गया होगा, तो इमीडिएटली सेफ जगह ढूंढकर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुलिस को इत्तला किए बगैर हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो जहां पर है वहां के अगल बगल के घर वाले या उस गली मोहल्ले से कोई हमारी हेल्प करे तो उसे वहीं पर दबोच सकते हैं। क्या कर रहे हैं यार? ये एक स्पेशल मीटर है। इस वक्त शहर में लोग कौन सा टीवी प्रोग्राम ज्यादा देख रहे हैं इससे पता चलेगा। यस, इस वक्त डिटेक्टिव डीडी सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है और करीब 18 लाख लोग इसे देख रहे हैं। वो जिस घर में होगा वहां टीवी सीरियल देखने का चांस ही नहीं होगा, उसके बगल वाले घर में या सामने के घर में, कम से कम उस मोहल्ले में तो कोई ना कोई ये सीरियल जरूर देख रहा होगा। उसी एरिया में जो लेडीज सीरियल देख रही होंगी उनकी मदद से हम उसका पता लगाएंगे। Hi viewers, अब आप लोग डिटेक्टिव दीदी सीरियल देख रहे हैं, इस सीरियल से संबंधित कुछ सवाल करने जा रहा हूं। सही जवाब देने वाली महिलाओं को 25,000 रुपए मूल्य की बनारसी साड़ी भेंट में दी जाएगी और 20 महिलाओं को एक 19 इंच का फ्लैट टीवी भेंट में दिया जाएगा। नाउ फॉर द लकी लेडी, द फर्स्ट प्राइज एक चमचमाती कार भेंट में दी जाएगी। वाव, इंटरेस्टेड व्यूअर्स इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, तैयार रहिए, ये मुकाबला सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो लेडीज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मधु, चैनल वाले हमारे नंबर स्क्रॉल को बीच में रोक के ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है कह के कंफ्यूज ना करें, इसीलिए तो डायरेक्ट चैनल में जा और यहाँ की सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन कर। गो। ओके। शिवा ये तो कमाल हो गया, हर एक स्ट्रीट से 5-6 कॉलर्स हैं। हेलो 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 जी टीवी, हेलो हेलो जी टीवी, जी टीवी, हेलो हेलो, हेलो। सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सर आपने कहा कोई प्रश्न पूछेंगे और 2 मिनट का सीरियल काट दिया। समीर यामिनी से लड़कर चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है, वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ए, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने, अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है, हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा।
आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है, आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे हैं। आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ दो सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछकर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा ये क्या कर रहे हो? वो सब लेडीज है, ओनली लेडीज, इनोसेंट वुमेन। औरतों से कोई स्पाई करवाता है क्या? सर आप औरतों को जानते नहीं है, आप तो ट्रेनिंग करके स्पाई बनते हो, वो तो पैदाइशी स्पाई होती है। यहाँ बात करते हुए पीछे कोई पीठ देख रहा है या कमर देख रहा है या पीछे मुड़े बिना ही पहचान लेती है। अगर पति किसी को व्हाट्सएप कर रहा है तो फोन देखे बिना ही वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है बता देती है। एंटेना, रेडार, सेंसर सब उनकी आंखों में होता है, उनके एरिया में उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। समीर यहाँ आया है क्या? दोनों बुलेट्स निकाल दिए। हाँ? कौन समीर? इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ पर। क्या पूछ रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं पता। क्यों परेशान कर रही हो? समीर नाम का कोई नहीं है यहाँ। कौन सा समीर? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। बुलेट क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई है क्या? शिवा ऑलमोस्ट सारी कॉल्स आ गई हैं। हेलो। हेलो। अच्छा पूछ लिया। हमने पूछा तो क्या सर? वो कह रहे हैं पागल हो क्या? साड़ी कब देंगे? कुछ मारने के लिए आए थे। समीर यहाँ आसपास कहीं नहीं है। वेट 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 साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अभी जितने भी घरों में आपने पूछा है वहाँ पर आपसे कहा गया होगा कि समीर नाम का यहाँ कोई नहीं है, आपको डांटा होगा, कहा होगा कैसी गोलियाँ, उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा। इन सारे जवाबों के अलावा आप में से किसी को भी कोई अलग जवाब मिला है क्या, किसी भी घर से? हेलो। हेलो बोलिए माँ जी। मेरा नाम मंजुला है जी। हाँ बोलिए। हमारे घर से 10 घर आगे जाके जो आपने पूछने कहा था मैंने वही पूछा। वैसे वो हमें अच्छी तरह से जानती भी हैं। जब मैंने पूछा तो वो लोग शॉक हो गए, बोले आप कैसे जानती हो? उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। विनय बाकी कॉल्स म्यूट कर दे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। आप घर का नंबर बता सकती हैं? हमारे घर का नंबर चाहिए? नहीं उनके घर का नंबर। उनका 28 है जी। कंपाउंडर सुरेश का घर है। सर मुझे साड़ी मिलेगी या टीवी मिलेगा? टीवी मिलेगा माँ जी, सेकंड राउंड में दोबारा कॉल करेंगे। हाँ ठीक है सर। सुनो यहाँ पर जितने डिवाइसेस हैं नीचे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दो, हमें तुरंत निकलना होगा। उस घर में 10 लोग रहते हैं, 4 दिन से सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पिछले 4 दिनों में कुछ लॉगिन नहीं हुआ है, कोई ऑफिस भी नहीं गया है। उस घर में रहने वाला सुरेश 46 रोल्स प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। वन सेकेंड, अब सैटेलाइट के थ्रू घर को स्कैन करते हैं। ऊपर 5 लोग हैं, नीचे 5 लोग हैं। वो जिस मोहल्ले में छुपा है वहां से कितने कॉल आए हैं? लकीली 7 कॉल्स। इतने काफी है, सिर्फ उन्हें कॉल कर। ठीक है। आपका नाम बताइए मैडम। सुमति मोहन। मेरा नाम मंजुला है। मैं अखिला मोटवानी हूँ। पद्मा। संध्या कृष्ण मोहन। फातिमा। कोमल सर। शिवा कोमल उसके बगल वाले घर में ही रहती है। गुड, अब इस राउंड में आप सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। पद्मा जी, जी आप घर से बाहर आकर राइट साइड। अब तक मैं आप सबसे सेपरेटली बात कर रहा था पर अब वक्त आ गया है एक साथ बात करने का। आप सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। मैं सुन रही हूँ सर। सुनाई दे रहा है? मैं भी सुन रही हूँ। गुड, अब मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आप सब लोग एक ही घर के चारों तरफ हैं। ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक पुलिस ऑपरेशन है। पुलिस ऑपरेशन? आपकी गली में जिस घर को आप रोज देखती हैं वहां एक खूनी छुपा हुआ है। उस घर में सबकी जान खतरे में है, पुलिस उन्हें बचा सकती है लेकिन उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो सबको मार देगा। अगर आपने मेरी बात मानी तो उन सबको बचा सकती हैं। मेरा साथ देंगी? ये क्या सर, मुकाबला बोलकर हत्यारे के पास फंसा दिया? सर मुझे बाथरूम जाना है सर। मतलब टीवी कार और वो साड़ी सब झूठ था सर।
कल सुबह न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में आप ही छाई रहेंगी। मुझे डर लग रहा है सर। आप अपनी गली के लोगों को बचाने से पीछे हट रही हैं, मिसेस संध्या मोहन। सर, आप स्कूल के दिनों में एक एनसीसी लीडर थी। आप कैसे जानते हैं सर? आपकी फेसबुक पे एक पुरानी फोटो है। क्या आज आप में हिम्मत नहीं है? औरत है तो खुद को कमजोर समझ रही है? नहीं सर, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक एनसीसी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि इस देश की बेटी भी हूँ। सर, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी हरियाणा की जटनी हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हेलो, पंजाब की बेटी हूँ मैं सर। मैं भी रेडी हूँ। मैं हैदराबाद की हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आई एम आल्सो रेडी सर। मैं भी तैयार हूँ सर। गुड, मिसेस कोमल। सर, आप उनकी पड़ोसन है ना? बिल्कुल सर। जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। ओके सर। आपके घर में कोई स्पीकर है क्या? हाँ है सर। सर, पकड़ लिया उसे। क्या? ओके, दो घंटे कहा था, 2 घंटे 40 मिनट हो गए। सर, हम कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं क्या जो सब एक्यूरेट होना चाहिए? इतना वक्त तो लगता ही है ना सर। व्हाटएवर, कल तुम पे इंक्वायरी शुरू होगी। मुझ पर एक्शन लेने में ही आप दोनों को ज्यादा खुशी मिलेगी क्या? फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। पास आइए, बताता हूं सर। सिर्फ 6 महीने आईबी में रहकर मैंने इतना काम किया और आप मुझ पर एक्शन ले रहे हैं। तो 6 महीने में इतना कुछ होने के बाद आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात पर आप पे इंक्वायरी हो सकती है। सर, आपको प्रमोशन मिलने का वक्त आ गया है और वहां पर भंवर लाल जी हैं जो आपके एकदम इक्वल रेंज में हैं। अब अगर आप पर इंक्वायरी हो गई तो प्रमोशन उन्हें मिल जाएगा। प्रमोशन लिए बिना रिटायर होंगे तो पेंशन भी कम मिलेगी। पूरी लाइफ का कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ 40 लाख 36,000 आपका नुकसान होगा अगर आप मुझ पर एक्शन लेंगे तो। करेक्ट सर, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सुनो सर, अभी सोच रहे हैं, तुम बाहर से दरवाजा बंद कर दो। आपको एक और आइडिया देता हूं सर। आप कह दीजिए ये ऑपरेशन मेरा है, ये पूरा प्लान भी मेरा है। 6 महीनों से क्राइम रेट भी कम हुआ है। वो व्हाट्सएप वीडियो, उसके गांव में जाना, उसके भाई को मारना और अब इसे पकड़ना, ये सब आप ही का सीक्रेट मिशन है। आपके ऑर्डर्स फॉलो करके मैंने किया। आपका डबल प्रमोशन, सारे मैगजीन्स में आप पर आर्टिकल्स, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़, 15 अगस्त को मेडल भी। बस बोल दीजिए ये एक सीक्रेट मिशन था और साथ ही कह दीजिए हम देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस और कुछ मत कहिए, अंडरस्टैंड? अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हें यस सर कहें? हाँ? ए, हाँ? अब तो उनसे ऐसी बातें मत कर। ये कोई मामूली बंदा नहीं है। अब तक कहाँ छुपे थे अर्जुन? ए, मेरी नई कार बढ़िया है ना? तुम क्या सोच रहे हो मैं बताऊं? नई कार, नई ड्रेस और बगल में सुंदर लड़की। अब इन सब का फायदा कैसे उठाना है यही सोच रहे हो ना? वाव। शालिनी, मेरा नाम तो तुम जानती हो मगर मेरा काम क्या है, तुम्हें मैं कैसे जानता हूँ, तुम्हें मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये सब तुम नहीं जानती है ना? नहीं जानती। ठीक है, अब मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, सब कुछ अपने आप ही जान जाओगी। ओके? ओके। हेलो सर। कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। कम। हे शिवा, बताया था ना? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। हेलो सर। क्यों भाई, पब्लिक फोन कॉल छुप छुप के 6 महीने से सुनते आ रहे हो? लोगों की पर्सनल बातें सुनना गलत है ना? वो क्या है, ऑफिस में जब बोर होता हूँ और खाली बैठा रहता हूँ तभी। इसका मतलब मैंने जो भी फोन पे बात की इसने सब सुन लिया। ठीक है, उसने तुम्हें 1 बजे यहाँ बुलाया था। 1:20 हो गए हैं सर, ये बात पहले ही बता देते। अरे उसके पास घड़ी थोड़े ही है, पूछे तो बोल देना 1 बज रहा है। वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने। वो कौन सा हॉस्पिटल है और मैं क्या करने वाला हूँ यही जानने के लिए ना? हाँ,
जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है। कहते हैं कि नेचर है, तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। हाँ। जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिए। इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? दरवाजा तोड़ने से ताले बने। और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है। पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे, है ना? उसके पहले एक राज की बात तो सुनो। आज अभी कुछ ही देर में लैंको हिल्स में 1,000 टन का बड़ा सा पत्थर, उसे रोकने वाला एक छोटा सा पत्थर, उसके लिए एक केमिस्ट्री प्रोफेसर और एक फिजिक्स प्रोफेसर को अपॉइंट किया गया है। हजारों लोग मरने वाले हैं, उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके बच्चे नहीं मरने चाहिए, है ना? कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे H2O में मिलाकर उस छोटे पत्थर में डालेंगे तो ठीक समय पर वो छोटा सा पत्थर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सपोर्ट न मिलने पर उस बड़े से पत्थर का क्या होगा? डम 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 डम। 30 फुट का पत्थर 6 फुट के इंसान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का भेदभाव ना देखते हुए सभी को कुचल देगा। जा जाके बचा ले, हॉस्पिटल तेरे लिए फाइनल राउंड है। उसे रोक सकता है तो चार रोक ले। 1:45 तक पहुंच जाना, अब तो सिर्फ 40 मिनट ही बचे हैं। तो तू 1 बजे नहीं आया था क्या? चलिए, अब तो सिर्फ 25 मिनट ही बचे। खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा बताया गया है। इस वक्त शहर के साथ साथ हॉस्पिटल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर DCP रवि कुमार को भेजा गया है। हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। मैं यहाँ किम हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। लोग यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। मैं कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल के पास बहुत हलचल।
धमाल मची हुई है। बहुत घबराए हुए हैं। आप सब हमारी मदद करेंगे तभी हम भैरव को पकड़ पाएंगे। अब तक हर ब्लॉक में पुलिस वाले होते थे, अब हर फ्लोर पर पुलिस वाले होंगे। सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस इंचार्ज कौन है? मैं हूं सर। रिकॉर्डिंग ऑन करके बाहर मत चले जाना सर। हर रिकॉर्डिंग पर तुम्हें लगातार नजर रखनी है। किसी पर भी डाउट हुआ तो इमीडिएटली फ्लोर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। यहाँ किम्स हॉस्पिटल के पास बहुत हलचल मची हुई है रजनी। आउट पेशेंट्स कम हो गए हैं और सिर्फ इमरजेंसी केसेस को ही ले रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए लोग यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं। इससे पहले कि कुछ हो जाए, जनता चाहती है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करे। जनता को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की अफवाहों पे विश्वास ना करें। शहर के जितने भी हॉस्पिटल हैं सबके बाहर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, ऐसा सिटी कमिश्नर कुमार गणपत जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है। हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में भी पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। हेलो, हाय। दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? क्या चाहिए? फ्रेंड के घर की चाबी है, इसके सिवाय तुम्हें कुछ और नहीं सूझता? मैंने उसके लिए फोन नहीं किया है। आज एक हॉस्पिटल में हाउस सर्जन के लिए गई थी, वहाँ एक कंपाउंडर किसी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने फॉलो किया। जिससे वो बात कर रहा था वो बिल्कुल भैरव जैसा लग रहा था। यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। वो कौन सा हॉस्पिटल? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम किस हॉस्पिटल में गई थी? उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। लाइफ केयर हॉस्पिटल, जनरल वार्ड कंपाउंडर रामचंद्र। हॉस्पिटल तो पता चल गया है, भैरव अभी वहीं पर है। बस एक घंटे में पकड़ लूंगा। कौन सा हॉस्पिटल? सर थोड़ा वेट कीजिए, बात फैल गई तो हॉस्पिटल में सब लोग पैनिक हो जाएंगे और भैरव और खुश होगा। इसे मैं ही हैंडल करता हूँ। हेलो हेलो, कितने लोगों को मार रहा है वो और कैसे मार रहा है? भैरव कहाँ है? सर बोलो, कितने लोगों को? सबको सर। सबको? Thank you.
तुम ठीक तो हो ना? सर क्या आज के जमाने में भैरव जैसे लोगों की वजह से इंसानियत खत्म होती जा रही है? इंसानियत नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ ही देर पहले मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है। कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जागती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है सेलफोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए, अपनी हिम्मत शेयर कीजिए, प्यार शेयर कीजिए। भैरव में जो सेडिज्म था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4%। ये कभी एक पति अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं। भैरव को मारकर हमने सिर्फ एक रोगी को मारा है, रोग को नहीं मारा है। ये रोग हमारे अंदर भी है, उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। खूब खेल के पसीना बह गया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना, उन्हें कुछ हो गया ना तो। ए, तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गड़गड़ा गड़गड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी। और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ छोटू आ जा। हे हेलो भैरव, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी माँ। सर आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरी माँ को क्या हुआ? सर वो आपके फ्रेंड्स को पता होगा। मुझे माँ को देखना है। सर प्लीज आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नर्स अरे शिवा कैसा यार? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? ओके शिवा, ओके शिवा संभल के। मेन स्विच ऑफ था माँ। ऐसा क्या? मैंने सोचा बिजली हाँ। चली गई। पर मैंने तो पानी नहीं मंगवाया। घर पर पानी पहुंचाने के लिए फोन आया था। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है
बेकार के चक्करों में मत पड़ा कर, अब देख क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना। अरे ये अभी अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहाँ शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा। वो थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं, चलो यार। वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय, I'm so happy. Congrats. जख्मी होकर पड़ा हूँ तो happy. Congrats. तुम कॉन्शियस हो गए हो, so I'm happy. बॉडी में रॉड घुसी फिर भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, उसके लिए congrats. You know I'm a medical student, right? रिपोर्ट्स देखे क्या? रिपोर्ट्स देखने की क्या जरूरत है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने सब कुछ देख लिया। हमारे प्यार को मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्यार? एक्चुअली मैंने प्यार करने के बारे में कुछ, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? और क्या कहती, यही कहा कि लड़का बुरा है, तेरे लायक नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और यही सब कहोगी मुझे? सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तुम सच कह रही हो? मैं बस मजाक कर रही थी, सो जाओ अब। सर, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो आप जान गए होंगे। अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बट गिव मी 5 days. 5 days? किस लिए? उस भैरव को पकड़ने के लिए। इम्पॉसिबल, तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही आई भी तुमसे इंक्वायरी करेगी। सर, जस्ट गिव मी 2 days. 2 दिन में उसे पकड़ लूंगा मैं, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेंगे मुझे मंजूर है। याद रखिए वो अभी जिंदा है, उसके ठीक होने से पहले उसे पकड़ना होगा। उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं सर। वो सब हम देख लेंगे, उसके लिए पुलिस भी है। डोंट वेस्ट अ टाइम, डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर एक मिनट सर। सर ये तो आप भी जानते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हर पल खतरा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक का ही टाइम दिया है। चलिए 2 दिन नहीं सर, बस 2 घंटे और दे दीजिए। इस वक्त 8 बज रहे हैं, 10 बजे से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। ये 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा? इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा सर, टाइम देते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 hours इज योर्स, कैच हिम। थैंक यू सर। सुन, होकर जहां गिरा था वो चंदनपुर का ब्रिज है, वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। धोबी गली, शंकर नगर कॉलोनी, डायमंड गार्डन, मेहता नगर, इन्हीं 4 एरियाज के किसी घर में या हॉस्पिटल में उन्हें डरा कर वहीं पर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा। हॉस्पिटल शायद उसके लिए उतना सेफ ना हो, वो डेफिनेटली किसी के घर में ही घुसा होगा। वो किसी गाड़ी को पकड़ के वहां से भाग भी तो सकता है। करेक्ट, अगर उसे गोली ना लगी होती तो वो वही करता, लेकिन जख्मी हालत में तैरने से उसकी एनर्जी खत्म हो गई होगी, खून भी काफी बह गया होगा, तो इमीडिएटली सेफ जगह ढूंढकर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुलिस को इत्तला किए बगैर हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो जहां पर है वहां के अगल बगल के घर वाले या उस गली मोहल्ले से कोई हमारी हेल्प करे तो उसे वहीं पर दबोच सकते हैं। क्या कर रहे हैं यार? ये एक स्पेशल मीटर है। इस वक्त शहर में लोग कौन सा टीवी प्रोग्राम ज्यादा देख रहे हैं इससे पता चलेगा। यस, इस वक्त डिटेक्टिव डीडी सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है,
और करीब 18 लाख लोग इसे देख रहे हैं। वो जिस घर में होगा वहां टीवी सीरियल देखने का चांस ही नहीं होगा। उसके बगल वाले घर में या सामने के घर में, कम से कम उस मोहल्ले में तो कोई ना कोई ये सीरियल जरूर देख रहा होगा। उसी एरिया में जो लेडीज सीरियल देख रही होंगी उनकी मदद से हम उसका पता लगाएंगे। Hi viewers. अब आप लोग डिटेक्टिव दीदी सीरियल देख रहे हैं, इस सीरियल से संबंधित कुछ सवाल करने जा रहा हूं। सही जवाब देने वाली महिलाओं को 25,000 रुपए मूल्य की बनारसी साड़ी भेंट में दी जाएगी और 20 महिलाओं को एक 19 इंच का फ्लैट टीवी भेंट में दिया जाएगा। नाउ फॉर द लकी लेडी, द फर्स्ट प्राइस एक चमचमाती कार भेंट में दी जाएगी। वाओ, इंटरेस्टेड व्यूअर्स इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। तैयार रहिए, ये मुकाबला सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो लेडीज, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मधु, चैनल वाले हमारे नंबर स्क्रॉल को बीच में रोक के ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है कह के कंफ्यूज ना करें, इसीलिए तो डायरेक्ट चैनल में जा और यहाँ की सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन कर। गो। ओके। शिवा, ये तो कमाल हो गया, हर एक स्ट्रीट से 5-6 कॉलर्स हैं। हेलो 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 जी टीवी, हेलो हेलो जी टीवी, जी टीवी, हेलो हेलो, हेलो। सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सर, आपने कहा कोई प्रश्न पूछेंगे और 2 मिनट का सीरियल काट दिया। समीर यामिनी से लड़कर चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है, वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ए, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने, अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है, आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे हैं। आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछकर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा, ये क्या कर रहे हो? वो सब लेडीज है, ओनली लेडीज, इनोसेंट विमेन। औरतों से कोई स्पाई करवाता है क्या? सर, आप औरतों को जानते नहीं है, आप तो ट्रेनिंग करके स्पाई बनते हो, वो तो पैदाइशी स्पाई होती है। यहाँ बात करते हुए पीछे कोई पीठ देख रहा है या कमर देख रहा है या पीछे मुड़े बिना ही पहचान लेती है। अगर पति किसी को व्हाट्सएप कर रहा है तो फोन देखे बिना ही वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है बता देती है। एंटेना, रेडार, सेंसर सब उनकी आंखों में होता है, उनके एरिया में उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। समीर यहाँ आया है क्या? दोनों बुलेट्स निकाल दिए। हाँ? कौन समीर? इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ पर। क्या पूछ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं पता, क्यों परेशान कर रही हो? समीर नाम का कोई नहीं है यहाँ। कौन सा समीर? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। बुलेट क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई है क्या? शिवा, ऑलमोस्ट सारी कॉल्स आ गई हैं। हेलो। हेलो। अच्छा, पूछ लिया? हमने पूछा तो क्या है सर? वो कह रहे हैं पागल हो क्या, साड़ी कब देंगे? कुछ मारने के लिए आए थे। समीर यहाँ आसपास कहीं नहीं है। वेट 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 वेट, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अभी जितने भी घरों में आपने पूछा है वहाँ पर आपसे कहा गया होगा कि समीर नाम का यहाँ कोई नहीं है, आपको डांटा होगा, कहा होगा कैसी गोलियाँ, उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा। इन सारे जवाबों के अलावा आप में से किसी को भी कोई अलग जवाब मिला है क्या, किसी भी घर से? हेलो। हेलो, बोलिए माँ जी। मेरा नाम मंजुला है जी। हाँ बोलिए। हमारे घर से 10 घर आगे जाके जो आपने पूछने कहा था मैंने वही पूछा। वैसे वो हमें अच्छी तरह से जानती भी हैं। जब मैंने पूछा तो वो लोग शॉक हो गए, बोले आप कैसे जानती हो? उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। विनय, बाकी कॉल्स म्यूट कर दे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। आप घर का नंबर बता सकती हैं? हमारे घर का नंबर चाहिए? नहीं, उनके घर का नंबर। उनका 28 है जी। कंपाउंडर सुरेश का घर है।
सर, मुझे साड़ी मिलेगी या टीवी मिलेगा? टीवी मिलेगा माँ जी, सेकंड राउंड में दोबारा कॉल करेंगे। हाँ ठीक है सर। सुनो, यहाँ पर जितने डिवाइसेज है नीचे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दो, हमें तुरंत निकलना होगा। उस घर में 10 लोग रहते हैं, 4 दिन से सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिछले 4 दिनों में कुछ लॉगिन नहीं हुआ है, कोई ऑफिस भी नहीं गया है। उस घर में रहने वाला सुरेश 46 रोल्स प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। वन सेकेंड, अब सैटेलाइट के थ्रू घर को स्कैन करते हैं। ऊपर 5 लोग हैं, नीचे 5 लोग हैं। वो जिस मोहल्ले में छुपा है वहां से कितने कॉल आए? लकीली 7 कॉल्स। इतने काफी है, सिर्फ उन्हें कॉल करो। ठीक है। आपका नाम बताइए मैडम। सुमति मोहन। मेरा नाम मंजुला है। मैं अखिला मोटवानी हूँ। पद्मा। संध्या कृष्ण मोहन। फातिमा। कोमल सर। शिवा। कोमल उसके बगल वाले घर में ही रहती है। गुड। अब इस राउंड में आप सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। अब तक मैं आप सबसे सेपरेटली बात कर रहा था, पर अब वक्त आ गया है एक साथ बात करने का। आप सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, मैं सुन रही हूँ सर। सुनाई दे रहा है? मैं भी सुन रही हूँ। गुड। अब मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आप सब लोग एक ही घर के चारों तरफ हैं। ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक पुलिस ऑपरेशन है। पुलिस ऑपरेशन? आपकी गली में जिस घर को आप रोज देखती हैं, वहां एक खूनी छुपा हुआ है। उस घर में सबकी जान खतरे में है, पुलिस उन्हें बचा सकती है, लेकिन उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो सबको मार देगा। अगर आपने मेरी बात मानी तो उन सबको बचा सकती हैं। मेरा साथ देंगी? ये क्या सर, मुकाबला बोलकर हत्यारे के पास फंसा दिया? सर, मुझे बाथरूम जाना है सर। मतलब टीवी, कार और वो साड़ी सब झूठ था सर। कल सुबह न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में आप ही छाई रहेंगी। मुझे डर लग रहा है सर। आप अपनी गली के लोगों को बचाने से पीछे हट रही हैं, मिसेस संध्या मोहन। सर, आप स्कूल के दिनों में एक एनसीसी लीडर थी। आप कैसे जानते हैं सर? आपकी फेसबुक पे एक पुरानी फोटो है। क्या आज आप में हिम्मत नहीं है? औरत है तो खुद को कमजोर समझ रही है? नहीं सर, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक एनसीसी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि इस देश की बेटी भी हूँ। सर, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी हरियाणा की जटनी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। हेलो, पंजाब की बेटी हूँ मैं सर, मैं भी रेडी हूँ। मैं हैदराबाद की हूँ, मैं भी तैयार हूँ। आई एम आल्सो रेडी सर। मैं भी तैयार हूँ सर। गुड। मिसेस कोमल। सर, आप उनकी पड़ोसन है ना? बिल्कुल सर। जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। ओके सर। आपके घर में कोई स्पीकर है क्या? हाँ है सर। सर, पकड़ लिया उसे। क्या? ओके, 2 घंटे कहा था, 2 घंटे 40 मिनट हो गए। सर, हम कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं क्या जो सब एक्यूरेट होना चाहिए? इतना वक्त तो लगता ही है ना सर। व्हाटएवर, कल तुम पे इंक्वायरी शुरू होगी। मुझ पर एक्शन लेने में ही आप दोनों को ज्यादा खुशी मिलेगी क्या? फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। पास आइए, बताता हूं सर। सिर्फ 6 महीने आईबी में रहकर मैंने इतना काम किया और आप मुझ पर एक्शन ले रहे हैं, तो 6 महीने में इतना कुछ होने के बाद आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात पर आप पे इंक्वायरी हो सकती है। सर, आपको प्रमोशन मिलने का वक्त आ गया है और वहां पर भंवर लाल जी हैं जो आपके एकदम इक्वल रेंज में हैं। अब अगर आप पर इंक्वायरी हो गई तो प्रमोशन उन्हें मिल जाएगा। प्रमोशन लिए बिना रिटायर होंगे तो पेंशन भी कम मिलेगी। पूरी लाइफ का कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ 40 लाख 36,000 आपका नुकसान होगा अगर आप मुझ पर एक्शन लेंगे तो। करेक्ट सर, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सुनो सर, अभी सोच रहे हैं, तुम बाहर से दरवाजा बंद कर दो। आपको एक और आइडिया देता हूं सर। आप कह दीजिए ये ऑपरेशन मेरा है, ये पूरा प्लान भी मेरा है। 6 महीनों से क्राइम रेट भी कम हुआ है, वो व्हाट्सएप वीडियो, उसके गांव में जाना, उसके भाई को मारना और अब इसे पकड़ना, ये सब आप ही का सीक्रेट मिशन है। आपके ऑर्डर्स फॉलो करके मैंने किया। आपका डबल प्रमोशन, सारे मैगजीन्स में आप पर आर्टिकल्स,
टीवी में ब्रेकिंग न्यूज, 15 अगस्त को मेडल भी। बस बोल दीजिए ये एक सीक्रेट मिशन था और साथ ही कह दीजिए हम देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस और कुछ मत कहिए, अंडरस्टैंड? अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हें यस सर कहें? हाँ? ए, हाँ? अब तो उनसे ऐसी बातें मत कर। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, अब तक कहाँ छुपे थे अर्जुन? ए, मेरी नई कार बढ़िया है ना? तुम क्या सोच रहे हो मैं बताऊं? नई कार, नई ड्रेस और बगल में सुंदर लड़की। अब इन सब का फायदा कैसे उठाना है यही सोच रहे हो ना? वाओ। शालिनी, मेरा नाम तो तुम जानती हो, मगर मेरा काम क्या है, तुम्हें मैं कैसे जानता हूँ, तुम्हें मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये सब तुम नहीं जानती है ना? नहीं जानती। ठीक है, अब मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, सब कुछ अपने आप ही जान जाओगी। ओके? ओके। हेलो सर। कम कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। कम। हे शिवा, बताया था ना? हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। हेलो सर। क्यों भाई, पब्लिक फोन कॉल्स छुप छुप के 6 महीने से सुनते आ रहे हो? लोगों की पर्सनल बातें सुनना गलत है ना? वो क्या है, ऑफिस में जब बोर होता हूँ और खाली बैठा रहता हूँ तभी। इसका मतलब मैंने जो भी फोन पे बात की इसने सब सुन लिया। ठीक है, उसने तुम्हें 1 बजे यहाँ बुलाया था। 1:20 हो गए हैं सर, ये बात पहले ही बता देते। अरे उसके पास घड़ी थोड़े ही है, पूछे तो बोल देना 1 बज रहा है। वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने। वो कौन सा हॉस्पिटल है और मैं क्या करने वाला हूँ यही जानने के लिए ना? हाँ? जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है, कहते हैं कि नेचर है। तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। हाँ? जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिए ना? हाँ? हाँ, दिमाग दिया है। हाँ, इंसान का दिमाग। इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? हाँ? लाखों साल पहले किसी को मारकर उसकी बीवी को उठा ले जाने के बाद बाकी लोग गुफा में जाकर छिप जाते थे। गुफा में पकड़ने गए तो दरवाजे बने, और दरवाजा तोड़ने से ताले बने। और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता? तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो किड़किड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है। पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे, है ना? उसके पहले
अभी अभी मिली खास खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा बताया गया है। इस वक्त शहर के साथ साथ हॉस्पिटल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर DCP रवि कुमार को भेजा गया है। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। CBI और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने IB चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहाँ शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे यार, 4 दिन बाद तुझे होश आया है और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेट्स। जख्मी होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी, कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो, सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी फिर भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, उसके लिए कांग्रेट्स। यू नो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट? रिपोर्ट्स देखे क्या? रिपोर्ट्स देखने की क्या जरूरत है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने सब कुछ देख लिया। हमारे प्यार को मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्यार? एक्चुअली मैंने प्यार करने के बारे में कुछ, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? और क्या कहती, यही कहा कि लड़का बुरा है, तेरे लायक नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और यही सब कहोगी मुझे? सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तुम सच कह रही हो? मैं बस मजाक कर रही थी। सो जाओ अब। सर, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो आप जान गए होंगे। अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बट गिव मी 5 days। 5 days किस लिए? उस भैरव को पकड़ने के लिए। इम्पॉसिबल, तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही IB तुमसे इंक्वायरी करेगी। सर, जस्ट गिव मी 2 days। 2 दिन में उसे पकड़ लूंगा मैं, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेंगे मुझे मंजूर है। याद रखिए, वो अभी जिंदा है, उसके ठीक होने से पहले उसे पकड़ना होगा। उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं सर। वो सब हम देख लेंगे, उसके लिए पुलिस भी है। डोंट वेस्ट आवर टाइम, डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर एक मिनट। सर ये तो आप भी जानते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हर पल खतरा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक का ही टाइम दिया है। चलिए 2 दिन नहीं सर, बस 2 घंटे और दे दीजिए। इस वक्त 8 बज रहे हैं, 10 बजे से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। ये 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा? इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा सर, टाइम देते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 hours इज योर्स, कैच हिम। थैंक यू सर। सुनो, कर जहां गिरा था वो चंदनपुर का ब्रिज है, वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। धोबी गली, शंकर नगर कॉलोनी, डायमंड गार्डन, मेहता नगर, इन्हीं 4 एरियाज के किसी घर में या हॉस्पिटल में उन्हें डराकर वहीं पर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा। हॉस्पिटल शायद उसके लिए उतना सेफ ना हो, वो डेफिनेटली किसी के घर में ही घुसा होगा। वो किसी गाड़ी को पकड़ के वहां से भाग भी तो सकता है। करेक्ट, अगर उसे गोली ना लगी होती तो वो वही करता, लेकिन जख्मी हालत में तैरने से उसकी एनर्जी खत्म हो गई होगी, खून भी काफी बह गया होगा, तो इमीडिएटली सेफ जगह ढूंढकर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुलिस को इत्तला किए बगैर हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो जहां पर है वहां के अगल बगल के घर वाले या उस गली मोहल्ले से कोई हमारी हेल्प करे तो उसे वहीं पर दबोच सकते हैं।
क्या कर रहा है यार? ये एक स्पेशल मीटर है। इस वक्त शहर में लोग कौन सा टीवी प्रोग्राम ज्यादा देख रहे हैं, इससे पता चलेगा। यस, इस वक्त डिटेक्टिव डीडी सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है और करीब 18 लाख लोग इसे देख रहे हैं। वो जिस घर में होगा वहां टीवी सीरियल देखने का चांस ही नहीं होगा। उसके बगल वाले घर में या सामने के घर में, कम से कम उस मोहल्ले में तो कोई ना कोई ये सीरियल जरूर देख रहा होगा। उसी एरिया में जो लेडीज सीरियल देख रही होंगी, उनकी मदद से हम उसका पता लगाएंगे। हाय व्यूअर्स, अब आप लोग डिटेक्टिव दीदी सीरियल देख रहे हैं। इस सीरियल से संबंधित कुछ सवाल करने जा रहा हूं। सही जवाब देने वाली महिलाओं को 25,000 रुपए मूल्य की बनारसी साड़ी भेंट में दी जाएगी और 20 महिलाओं को एक 19 इंच का फ्लैट टीवी भेंट में दिया जाएगा। नाउ फॉर द लकी लेडी, द फर्स्ट प्राइस एक चमचमाती कार भेंट में दी जाएगी। वाव! इंटरेस्टेड व्यूअर्स इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तैयार रहिए, ये मुकाबला सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो लेडीज, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मधु, चैनल वाले हमारे नंबर स्क्रॉल को बीच में रोक के ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है कह के कंफ्यूज ना करें, इसीलिए तो डायरेक्ट चैनल में जा और यहाँ की सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन कर। गो। ओके। शिवा, ये तो कमाल हो गया, हर एक स्ट्रीट से 5-6 कॉलर्स हैं। हेलो 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 जी टीवी, हेलो हेलो जी टीवी, जी टीवी, हेलो। हेलो, सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सर, आपने कहा कोई प्रश्न पूछेंगे और 2 मिनट का सीरियल काट दिया। समीर यामिनी से लड़कर चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है, वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने, अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है, आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, सुन रहे। आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछ कर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा, ये क्या कर रहे हो? वो सब लेडीज है, ओनली लेडीज, इनोसेंट विमेन। औरतों से कोई स्पाई करवाता है क्या? सर, आप औरतों को जानते नहीं हैं। आप तो ट्रेनिंग करके स्पाई बनते हो, वो तो पैदाइशी स्पाई होती हैं। यहाँ बात करते हुए पीछे कोई पीठ देख रहा है या कमर देख रहा है, ये पीछे मुड़े बिना ही पहचान लेती हैं। अगर पति किसी को व्हाट्सएप कर रहा है तो फोन देखे बिना ही वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है बता देती हैं। एंटीना, रेडार, सेंसर सब उनकी आंखों में होता है, उनके एरिया में उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। समीर यहाँ आया है क्या? दोनों बुलेट्स निकाल दिए। हाँ? कौन समीर? इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ पर, क्या पूछ रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं पता, क्यों परेशान कर रही हो? समीर नाम का कोई नहीं है यहाँ। कौन सा समीर? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। बुलेट क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई है क्या? शिवा, ऑलमोस्ट सारी कॉल्स आ गई हैं। हेलो। हेलो। अच्छा, पूछ लिया? हमने पूछा। तो सर, वो कह रहे हैं पागल हो क्या, साड़ी कब देंगे? कुछ मारने के लिए आए थे। समीर यहाँ आसपास कहीं नहीं है। वेट, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अभी जितने भी घरों में आपने पूछा है वहाँ पर आपसे कहा गया होगा कि समीर नाम का यहाँ कोई नहीं है, आपको डांटा होगा, कहा होगा कैसी गोलियाँ, उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा। इन सारे जवाबों के अलावा आप में से किसी को भी कोई अलग जवाब मिला है क्या, किसी भी घर से? हेलो। हेलो, बोलिए माँ जी। मेरा नाम मंजुला है जी। हाँ बोलिए। हमारे घर से 10 घर आगे जाके जो आपने पूछने कहा था मैंने वही पूछा। वैसे वो हमें अच्छी तरह से जानते भी हैं। जब मैंने पूछा तो वो लोग शॉक हो गए, बोले आप कैसे जानती हो? उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। विनय,
बाकी कॉल्स म्यूट कर दे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। अब घर का नंबर बता सकती है? हमारे घर का नंबर चाहिए? नहीं, उनके घर का नंबर। उनका 28 है जी। कंपाउंडर सुरेश का घर है। सर, मुझे साड़ी मिलेगी या टीवी मिलेगा? टीवी मिलेगा माँ जी, सेकंड राउंड में दोबारा कॉल करेंगे। हाँ ठीक है सर। सुनो, यहाँ पर जितने डिवाइसेज हैं नीचे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दो, हमें तुरंत निकलना होगा। उस घर में 10 लोग रहते हैं, 4 दिन से सबके मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिछले 4 दिनों में कुछ लॉगिन नहीं हुआ है, कोई ऑफिस भी नहीं गया है। उस घर में रहने वाला सुरेश 46 रोल्स प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। वन सेकेंड, अब सैटेलाइट के थ्रू घर को स्कैन करते हैं। ऊपर 5 लोग हैं, नीचे 5 लोग हैं। वो जिस मोहल्ले में छुपा है वहां से कितने कॉल आए हैं? लकीली 7 कॉल्स। इतने काफी हैं, सिर्फ उन्हें कॉल करो। ठीक है। आपका नाम बताइए मैडम। सुमति मोहन। मेरा नाम मंजुला है। मैं अखिला मोटवानी हूँ। पद्मा। संध्या कृष्ण मोहन। फातिमा। कोमल सर। शिवा। कोमल उसके बगल वाले घर में ही रहती है। गुड। अब इस राउंड में आप सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। पद्मा जी, जी? आप अब तक मैं आप सबसे सेपरेटली बात कर रहा था, पर अब वक्त आ गया है एक साथ बात करने का। आप सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, मैं सुन रही हूँ सर। सुनाई दे रहा है? मैं भी सुन रही हूँ। गुड। अब मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आप सब लोग एक ही घर के चारों तरफ हैं। ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक पुलिस ऑपरेशन है। पुलिस ऑपरेशन? आपकी गली में जिस घर को आप रोज देखती हैं, वहां एक खूनी छुपा हुआ है। उस घर में सबकी जान खतरे में है, पुलिस उन्हें बचा सकती है, लेकिन उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो सबको मार देगा। अगर आपने मेरी बात मानी तो उन सबको बचा सकती हैं। मेरा साथ देंगी? ये क्या सर, मुकाबला बोलकर हत्यारे के पास फंसा दिया? सर, मुझे बाथरूम जाना है सर। मतलब टीवी, कार और वो साड़ी सब झूठ था सर। कल सुबह न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में आप ही छाई रहेंगी। मुझे डर लग रहा है सर। आप अपनी गली के लोगों को बचाने से पीछे हट रही हैं, मिसेस संध्या मोहन। सर, आप स्कूल के दिनों में एक एनसीसी लीडर थी। आप कैसे जानती हैं सर? आपकी फेसबुक पे एक पुरानी फोटो है। क्या आज आप में हिम्मत नहीं है? औरत है तो खुद को कमजोर समझ रही है? नहीं सर, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक एनसीसी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि इस देश की बेटी भी हूँ। सर, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी हरियाणा की जटनी हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हेलो, पंजाब की बेटी हूँ मैं सर। मैं भी रेडी हूँ। मैं हैदराबाद की हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आई एम आल्सो रेडी सर। मैं भी तैयार हूँ सर। गुड। मिसेस कोमल सर, आप उनकी पड़ोसन है ना? बिल्कुल सर। जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। ओके सर। आपके घर में कोई स्पीकर है क्या? हाँ है सर। सर, पकड़ लिया उसे। क्या? ओके, 2 घंटे कहा था, 2 घंटे 40 मिनट हो गए। सर, हम कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं क्या जो सब एक्यूरेट होना चाहिए? इतना वक्त तो लगता ही है ना सर। व्हाटएवर, कल तुम पे इंक्वायरी शुरू होगी। मुझ पर एक्शन लेने में ही आप दोनों को ज्यादा खुशी मिलेगी क्या? फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। पास आइए, बताता हूं सर। सिर्फ 6 महीने आईबी में रहकर मैंने इतना काम किया और आप मुझ पर एक्शन ले रहे हैं, तो 6 महीने में इतना कुछ होने के बाद आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात पर आप पे इंक्वायरी हो सकती है। सर, आपको प्रमोशन मिलने का वक्त आ गया है और वहां पर भंवरलाल जी हैं जो आपके एकदम इक्वल रेंज में है। अब अगर आप पर इंक्वायरी हो गई तो प्रमोशन उन्हें मिल जाएगा। प्रमोशन लिए बिना रिटायर होंगे तो पेंशन भी कम मिलेगी। पूरी लाइफ का कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ 40 लाख 36,000 आपका नुकसान होगा अगर आप मुझ पर एक्शन लेंगे तो। करेक्ट सर, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सुनो सर, अभी सोच रहे हैं
तुम बाहर से दरवाजा बंद कर दो। आपको एक और आइडिया देता हूं सर, आप कह दीजिए ये ऑपरेशन मेरा है, ये पूरा प्लान भी मेरा है। 6 महीनों से क्राइम रेट भी कम हुआ है, वो व्हाट्सएप वीडियो, उसके गांव में जाना, उसके भाई को मारना और अब इसे पकड़ना, ये सब आप ही का सीक्रेट मिशन है। आपके ऑर्डर्स फॉलो करके मैंने किया, आपका डबल प्रमोशन, सारी मैगजीन्स में आप पर आर्टिकल्स, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज, 15 अगस्त को मेडल भी। बस बोल दीजिए ये एक सीक्रेट मिशन था और साथ ही कह दीजिए हम देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस और कुछ मत कहिए, अंडरस्टैंड? अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हें यस सर कहें? हाँ? ए, हाँ? अब तो उनसे ऐसी बातें मत कर। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, अब तक कहाँ छुपे थे अर्जुन? ए, मेरी नई कार बढ़िया है ना? तुम क्या सोच रहे हो मैं बताऊं? नई कार, नई ड्रेस और बगल में सुंदर लड़की, अब इन सब का फायदा कैसे उठाना है यही सोच रहे हो ना? वाओ। शालिनी, मेरा नाम तो तुम जानती हो, मगर मेरा काम क्या है, तुम्हें मैं कैसे जानता हूँ, तुम्हें मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये सब तुम नहीं जानती है ना? नहीं जानती। ठीक है, अब मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, सब कुछ अपने आप ही जान जाओगी। ओके ओके। हेलो सर। कम कम, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम। हे शिवा, बताया था ना? हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। हेलो सर। क्यों भाई, पब्लिक फोन कॉल छुप छुप के 6 महीने से सुनते आ रहे हो? लोगों की पर्सनल बातें सुनना गलत है ना? वो क्या है, ऑफिस में जब बोर होता हूँ और खाली बैठा रहता हूँ तभी। इसका मतलब मैंने जो भी फोन पे बात की इसने सब सुन लिया। ठीक है, उसने तुम्हें 1 बजे यहाँ बुलाया था। 1:20 हो गए हैं सर, ये बात पहले ही बता देते। अरे उसके पास घड़ी थोड़े ही है, पूछे तो बोल देना 1 बज रहा है। वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने। वो कौन सा हॉस्पिटल है और मैं क्या करने वाला हूँ यही जानने के लिए ना? हा? जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है, कहते हैं कि नेचर है, तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिए ना? हाँ, हाँ दिमाग दिया है। हाँ, इंसान का दिमाग। इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? हाँ? लाखों साल पहले किसी को मारकर उसकी बीवी को उठा ले जाने के बाद बाकी लोग गुफा में जाकर छिप जाते थे। गुफा में पकड़ने गए तो दरवाजे बने, और दरवाजा तोड़ने से ताले बने। और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता? तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है। पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे, है ना? उसके पहले एक राज की बात तो सुनो। आज अभी कुछ ही देर में लैंको हिल्स में 1,000 टन का बड़ा सा पत्थर, उसे रोकने वाला एक छोटा सा पत्थर, उसके लिए एक केमिस्ट्री प्रोफेसर और एक फिजिक्स प्रोफेसर को अपॉइंट किया गया है। हजारों लोग मरने वाले हैं, उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके बच्चे नहीं मरने चाहिए, है ना? कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे H2O में मिलाकर उस छोटे पत्थर में डालेंगे तो ठीक समय पर वो छोटा सा पत्थर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सपोर्ट न मिलने पर उस बड़े से पत्थर का क्या होगा?
डम 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 30 फुट का पत्थर 6 फुट के इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का भेदभाव ना देखते हुए सभी को कुचल देगा। जा जाके बचा ले, हॉस्पिटल तेरे लिए फाइनल राउंड है। उसे रोक सकता है तो चार रोक ले, 1:45 तक पहुंच जाना, अब तो सिर्फ 40 मिनट ही बचे। ओ, तो तू 1 बजे नहीं आया था क्या? चलिए चलिए, अब तो सिर्फ 25 मिनट ही बचे। खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव, पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा बताया गया है। इस वक्त शहर के साथ साथ हॉस्पिटल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर DCP रवि कुमार को भेजा गया है।